हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। करोड़ों खर्च कर मरम्मत किया गया मुमरा बाईपास फिर पहुंचा खस्ता हाल में। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर से सबिया हुसैन शेख। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ महीने पहले लगभग 8.25 करोड़ रुपए खर्च कर मुमरा बाईपास के मरम्मत का काम किया गया था। हालांकि उस वक्त भी मरम्मत का काम पूरी तरह से नहीं हुआ था, उसके बावजूद बाईपास को यातायात के लिए शुरू कर दिया था। खूनी बाईपास के नाम से मशहूर हो चुका ये बाईपास अभी भी विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि करोड़ों खर्च कर की गई मरम्मत के बावजूद बारिश के इस मौसम में अब इस बाईपास पर कैसे जानलेवा गड्ढे बन चुके हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बाईपास के गड्ढों के नीचे के सलिए तक टूटे हुए हालत में नजर आ रहे हैं। जब मरम्मत का काम पूरा करने का दावा कर इसे शुरू किया गया था, उस वक्त बाईपास के मरम्मत के इस काम का क्रेडिट लेने से लेकर उद्घाटन तक राजनीतिक दलों में होड़ मच गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मुमरा बाईपास की ये जो खस्ता हालत है उसका क्रेडिट कौन लेगा। ये थी हमारी आज की मुमरा बाईपास की खस्ता हाल होने और सलिया दिखाई देने की जानकारी देने वाली खबर। जल्द ही हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।